बाराबंकी के हैदरगढ़ में समदर्शी समाज पार्टी का संपन्न हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। समता मूलक समाज की स्थापना को लेकर चर्चा की गई, सैकड़ों लोग जुटे। समदर्शी समाज पार्टी इस देश में समता मूलक समाज के लिए कृत संकल्प है। भ्रष्ट नेता हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खींचना चाह रहे हैं और देश को एक गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। उस समस्या को हम लोग दलित और पिछड़ा और मुसलमान का एक मंच बनाकर आपस में बैठकर हम लोग इस पर विचार करेंगे। रायबरेली में बड़ा हादसा। प्रयागराज नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रही कार ट्रक से टकराई, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। मृतकों में एक महिला और एक मासूम भी शामिल। कोहराम मचा। सुल्तानपुर में जय हिंद सेवा ने लगाया शिविर, लोगों ने किया रक्तदान, दर्जनों लोगों ने लिया हिस्सा। सुल्तानपुर के लंबुआ में बधुपुर में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। पूरे कस्बे में मचा हड़कंप। युवक की शिनाख्त 40 वर्षीय बाबूलाल के रूप में हुई। पुलिस ने शुरू की जांच। बाराबंकी में आबकारी विभाग ने मारा छापा। ढकवा के नारेपुर में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 30 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण हुए बरामद। सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन व धरना। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मांगे न पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी। सुल्तानपुर के लंबुआ के भरसारे में प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से गुजर रही है 11,000 बोर्ड की हाई टेंशन लाइन। कल अचानक स्कूल के ऊपर तार गिरा। लंच पर जाने की वजह से नहीं हुआ कोई हादसा, अधिकारी बने मूक दर्शक। राहुल गांधी के राफेल मुद्दे का जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने अमेठी में कलाशिकोव राइफल बनाने को दी हरी झंडी। अमेठी में बनेगा प्लांट, रूस से हुआ करार। 28 फरवरी को अमेठी में नरेंद्र मोदी का सम्भा करेंगे और करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन। जो मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं ये केवल दिखावा है, ये केवल दिखावा है चुनाव सर पे। अगर उनको उद्घाटन नहीं करना था फैक्ट्री की जो है उसमें जनता कोई लाभ नहीं। जो मोदी जी करने आ रहे हैं केवल छलावा है अमेठी जनता के साथ और लाभ कोई नहीं है। अमेठी में पुलिस का बड़ा गुटबर्ग। बाजार शुकुल में अंतर जनपदीय 3 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। चोरी की 10 बैटरी, 7 सोलर लाइट्स हुई बरामद, भेजा गया जेल। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, ये उस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं क्योंकि जनपद सुल्तानपुर बाराबंकी और अमेठी का बॉर्डर एरिया लगता है, उस एरिया में इनकी सक्रियता है। इनके पास से 7 अदद सोलर पैनल बरामद हुए हैं।